बैठियां गुरसिख संगतां श्री पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी बरसी दे संबंध विच आपां एकत्र होया। आओ रल मिल के फतेह गजाओ, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उन्हां दी बरसी जदों आपां मनाउने आ सानू कुछ पुरानियां यादां ताजा हुंदियां ने। कदे असी भी हुंदे सी राज वाले, साडे बच्चे पुछिया करनगे सातों भी साडा भी कदे राज होया करदा सी, फिर असी की आख्या करांगे। हुण कई वारी मैं सोचदा बहुते लोग आखदे ने कि सिख राज किवें गया ओ सुणाओ। हुण कई वारी मन दे विच सोचीदा कि बड़ा लंबा समा सोहण सिंह सीतल ने घालणा घाल के इतिहास गाया भी ते लिखिया भी, असी सुनिया भी और असी सुणदे आए। जो सिखिया सानू उस राज दे विच मिली जां राज जाण तों बाद मिली, जो शेरे पंजाब ने आखरी दरबार विच सानू दित्ती, कि असी उह सांभ के रखी है, कि असी उहदे उत्ते अमल कीता है। हुण जदी असी आखदे हां कि सिख राज किवें गया, सिख राज किवें गया, बार बार इक्को गल नूं दोहराईए और असी आख दिंदे हां कि सानू उह चीज सुणाओ। एक व्यक्ति मैनू कहिंदा सिख राज किवें गया ओ सुनाओ। मैं कहा कोई गल नहीं सुना देवांगे, कुछ समा ठहरो। कहिंदा की गल तुहानूं आउंदा नहीं? मैं कहा भी हो सकदा ना आउंदा होवे, कोई जरूरी नहीं। हर एक व्यक्ति हर एक काम दे विच निपुण होवे, हो भी सकदा ना आउंदा होवे। पर मन लैंदे आ जेकर असी सिख राज किवें गया उहदी इक दास्तान है दर्द भरी, उस दर्द भरी कहानी नूं असी सुन के शेरे पंजाब ने आख्या सी मैं आ जिहड़ा मणका मणका इकट्ठा करके एक हार परो लिया और मेरे जाण तों बाद, मैनूं जाणदा तां कोई अफसोस नहीं क्योंकि बीमारी का हमला वध गया सी और मौत दिखाई देण लग पई सी। कहिंदे जिहड़ा सूरज चढ़दा है उहने अस्त तां जरूर होणा है, इह तां पक्की गल है। और जेकर राज बणदे ने तां राज बिखर भी जांदे ने। पर एक गल वखरी है, औरंगजेब बादशाह दा राज होया, तुसी अज वेखियो जिहड़े कदे लाल किले दे मालक सी उहदी वंशज दे विचों रक्षे चलाउंदे ने, इह गल हैरान करन वाली है। हुण जिहड़े वड्डे वड्डे राजे महाराजे होके गए ने और कई वारी की हुंदा है राज विखर जांदा, कौमां खिंड पुट जांदियां ने, पर सोचण वाली इह है किते साडी कौम उहनां वांगू खिंड पुट तां नहीं जाऊगी, साडी कौम कुछ होंद बरकरार रखूगी। इंडिया दे विच तुसी वेख्या होना पंजाब दे विच एक तबका है उहनूं इहनां ने बद्दू, और बजुर्गां नूं पता नवयां नूं नहीं पता बद्दू मां रखदे आ बद्दू। वैसे बद्दू अमीर नूं कहिंदे ने अरब कंट्रियां दे विच, जिहड़ा शाही घराणा उहनूं बद्दू आख्या जांदा है। उहनां लोकां ने उह लोक असली भारत दे मूल वासी ने और उन्होंने लोगों को मखौल करने के मारे ने उन्होंने नाम बद्दू रख दिता है और उन्होंने बद्दू मार आख्या जाता है। इस तरह कौम खत्म हो जाए ने। सो आओ विचारा लंबिया चले जाए ने। शेरे पंजाब के जीवन के अनेक घटनावां तुहाडे दिल नूं टुंब लैणगियां। वह किस तरह टुंबणगियां? मुल्तान की जंग नूं तुरदियां रास्ते दे विच हनेरे विच एक दीवा जगदा दिखाई दिता है। शेरे पंजाब सीधे गए, पता कीता है गुरु नानक पातशाह का दरबार है। जाके ग्रंथी सिंह नूं आख्या मैं मुल्तान नूं फतेह करन दे लई चलिया और तुसी इक अरदास करो। अरदास की करनी आ कि हे सच्चे पातशाह तुहाडे दर घर दा कुकर, और अज मुल्तान फतेह करन दे लई चलिया है और जित प्राप्त होवे जित बख्श। उस तरह ग्रंथी सिंह ने अरदास कर दिती। यह नहीं आख्या कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तेरे दरबार उत्ते आया है, तेरे दर घर का कुकर तेरे दर उत्ते खड़ के एक मंग मंगदा है। अरदास कर दिती ग्रंथी सिंह ने। मुल्तान फतेह भी तुहानू पता है, मुल्तान फतेह करन दे विच उह सिखां ने योगदान पाया जिहड़ी 21 किलो बरूद वाली तोप सी उहदा पहिया टुट गया सी, अपना मोढ़ा दे दे करके ओ किले दी फसीर सी जिहड़ी ओह तोड़ी सी। जब जित प्राप्त होगी वापस आए ग्रंथी सिंह नूं इह गल आखी है
कि मंगो की मंगदे हो शेरे पंजाब जित के आया। ग्राथी सिंह पता की कहंदा है, कहंदा ओही शेरे पंजाब जेड़ा कल आखदा सी मैं दर करदा कुकर हां और ऐस दर तो भीख मंगदा सी। दोए हाथ जोड़ के निम्रता वेखो शेरे पंजाब दी, एवें नहीं गरीबां दी पंड सिर ते चक के ढोंदा। हुण दोए हाथ जोड़ के माफी मंगदा कि मेरे तो गलती हो गई, मेरे च फिर हंकार आ गया, मैं शेरे पंजाब अखवाउण दे लायक नहीं, तुसी गलती दी हुण अरदास करो भी मेरे तो गलती हो गई। इहो जी निम्रता सी। तुसी भाई साहब पहला कथा दे विच ओह वार्ता सुणा के गए ने किस तरह इमली दे बूटे नूं जफा पा लिया सी। आओ आपां ओह विचारां ना दोहराईए। हुण जदों शेरे पंजाब दा आखरी समां सी, जिहड़ा हरी सिंह नलुए दी शहादत तो बाद ही शेरे पंजाब निढाल हो गया सी, इसे करके मुल्तान की जंग दे विच उहने बैद नूं इह गल आखदी सी कि मेरे राज दा सारा खजाना लग जावे और हरी सिंह नलुआ बचना चाहीदा, मरना नहीं चाहीदा। पहली बार अपनी अख दे विचों हंजू किरिया सी क्योंकि इतना घायल फटड़ हो गया सी हरी सिंह नलुआ, बचण दी आस नहीं सी। हुण जदों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह बीमार पे है, आखिरी दरबार किया गया, भावें कि जब हरी सिंह नलुए ने जमराव के किले विखे जंग लड़ी, डोगरिया ने उदों तो ही साजिशा शुरू कर दित्तिया सी, पहलियां दो चिट्ठियां अपने कोले रख लिया। पर हैरानी की गल है कहिंदे जब समा आउंदा ना तां फिर बुद्ध भी कम नहीं करदी। हुण जिहड़े डोगरे भरा ने ध्यान सिंह, डोगरा एक गल की नीति बनाउंदा है, वह कहिंदा है कि मैं कदे खड़ग सिंह नूं और कदे शेर सिंह नूं, कमर नौ निहाल सिंह नूं और माता चंद कौर नूं आपस दे विच पाड़ के किस तरह मैं राज हथिया लवां। इत्थों एक गल की होर सीध मिलती है, जिहड़े लोग कुर्सी नाल प्यार करदे ने वह अपने पुत्रां तक भी प्यार नहीं करदे। ओदा इको एक कारण है, जब हीरा सिंह यह गल आखदा है कि कमर नौ निहाल दे नाल अज ऊधम सिंह भी तुरिया आउंदा है, इशारा करना सी ना उन्हें। वह कहना याद रख जा तां पंजाब दा राज रहूगा, जेकर पंजाब दा राज चाहना है तां कमर नौ निहाल दे नाल ऊधम सिंह नूं भी मौत दे घाट उतारना ही पऊगा। हुण वह इहो जिहा मौका सी जिथे पत्थर मार मार के कमर नौ निहाल नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। वह श्याम सिंह अटारी की पुत्री नानकी दे कुख दे विच उदों जो नवजन्मा बच्चा पल रहा सी और किस तरह खेरू खेरू कर दिता उन्हां छात्र लोगों ने एक कुर्सी की खातर। इस तो यह सीध मिलती है, जिहड़े कुर्सी नाल प्यार करते हैं, जिन्हां नूं राज भाग चाहिए वह अपने भरावां नाल अपने पुत्रां नाल अपने सके संबंधियों नाल उन्हां दा कोई वास्ता नहीं। हुण इतना वड्डा विशाल राज सी और जिहदी भगत दे नाल विरोधी म्यान चों तलवार तक नहीं सी कढ सकदा और जिहदे नारियां दी गूंज अज तक दरा खैबर दियां पहाड़ियां दोहरा रहियां ने, और वह सूरमा अज बीमारी की हालत दे विच हजूरी बाग दे विच दरबार ला के यह गल आखदा है कि जिस तलवार दे नाल राज कीता वेख्यो किते तुहाड़े अपने घर दे विच खड़कण ना लग जावे। हुण असीं आखदे हां सिख राज किवें गया, कि अज साडे घर दे विच तलवार नहीं खड़कदी, कि जो कुछ महाराज ने आख्या सी कि जेकर कट्ठे रहेंगे राज बनिया रहूगा, कि असीं कट्ठे रह सके। यह तो लड़ाई हर घर की है, हर घर के एक सिख राज जाता है, हरेक घर के भैन भरा लड़ते हैं और सिख कौम कट्ठी कितों रह सकती है, और यह साड़ी घर घर की दास्तान है जिहड़ा सिख राज किवें गया हरेक कह दिंदा सुना दिओ। पर अपने घरां विच झाती मारीए अपने परिवारां दे विच अज की हो रहा है, आओ समा इजाजत नहीं दिंदा। हुण उस समय जदों शेरे पंजाब का अंतर समा आया, भावें कि आखिरी बार जब पहला छे महीने बीमार रहे, अधरंग का अटैक हो गया, बगी दे विच सवार हो गए, दरबार दे विच आ गए, दरबार दे विच नसीहत दे के फिर एक बारी निढाल होए, उस तो बाद एक बारी फिर होश आई, एक उन्होंने आखिरी इच्छा जाहर की, दुनिया दे विच पॉप तो बाद जे कोई
संसार दे विच अमीर व्यक्ति है तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की राणी महाराणी एलिजाबेथ दे ताज दे विच जड़िया होया जो हीरा कोहे नूर हीरा उहदी ख्वाहिश सी। महाराजा रणजीत सिंह कहिंदे मैं दरबार साहब दे विच भेट कर देवां और उस समय और गुलाब सिंह ने और लाल सिंह ने अते ध्यान सिंह ने इस गल नूं बरकरार रखदिया होया उन्हां दे कहण तो बाद उन्हां दी इच्छा जाहर ना कीती। दो गल्लां सी कलगी तर पातशाह दी कलगी जिहड़ी अज इंग्लैंड दे विच है उन्होंने म्यूजियम दे विच रखी हुई है। एक कोहे नूर हीरा शाहजहां तों किस तरह खरीदिया सी 200 व्यक्ति शहादत दा जाम पी गया सी राणी दे नाल ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ